हमारे पास है स्टार बड्स जो हमें यूबॉन की तरफ से देखने को मिलती हैं, और इसका जो मॉडल नंबर है BT220, जहां पे कुछ अच्छी चीजें भी है इसके अंदर और कुछ बुरी चीजें भी है, जो दोनों चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। दोस्तों चलते हैं वीडियो पर, दिखाते हैं किस तरीके का जो हमारा ईयरबड्स है वो हमें यहां पर देखने को मिलता है। और बॉक्स आप देखोगे इस तरीके का है, यहां पर स्टार बड्स BT220 आपको देखने को मिल जाता है, और यहीं पर आपको जो हमारी बड्स है उसका जो फोटो देखने को मिल जाता है, 15 घंटे का बैटरी बैकअप देखने को मिल जाता है, जो बॉक्स के ऊपर ही इन्होंने मेंशन कर रखा है। और जो इसके हाईलाइट फीचर्स हैं वो आप यहां पर देख सकते हो, हाई एनालिसिस, लाइट वेट, हाई स्टूडियो, वायरलेस बिल्ट इन माइक, ये कुछ इसके हाईलाइट फीचर्स हैं जो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। बॉक्स को ओपन करते हैं और क्या क्या हमें इसके अंदर देखने को मिलता है। तो जैसे ही हम बॉक्स को ओपन कर लेते हैं, यहाँ पर हमें एक अपनी ईयरबड्स का जो पाउच है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। इसके अंदर सिर्फ हमें जो हमारी ईयरबड्स है वो देखने को मिलती है, वो एक इनका कार्ड देखने को मिलता है, और यहीं पर हम बात कर लेते हैं USB जो केबल है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलती है, जो हमें यहाँ पर V8 की देखने को मिल जाती है। बॉक्स के अंदर सिर्फ हमें यही चीज देखने को मिलती है। अब देख लेते हैं अपनी ईयरबड्स को, किस तरीके की जो हमारी ईयरबड्स हैं वो हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, जो हमारा केस है ये काफी सस्ता सा जो केस है वो हमें यहाँ पर देखने को मिल जाता है। इतनी अच्छी जो क्वालिटी है वो इन्होंने नहीं दी यहाँ पर, कोई 800-900 रुपए में आप दूसरी ब्रांडों की तरफ जाते हो तो जैसे आपका मीवी हो गया या नॉइस हो गया, कुछ अच्छे ब्रांड हैं जो 800-900 की रेंज में आपको काफी अच्छी चीजें देती हैं, लेकिन दोस्तों यूबॉन ने यहां पर इसके ऊपर इतना अच्छा काम नहीं किया। और आप देखोगे जो केस है कुछ इस तरीके का आपको देखने को मिलता है, यूबॉन की ब्रांडिंग, और यहाँ पर आपको दो ईयरबड्स के जॉइंट हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं, और V8 वाला चार्जिंग पॉइंट बैक की में आपको देखने को मिलता है। और दोस्तों ये हमारी बड्स हैं जो हम इसके अंदर एक बार डाल लेते हैं और देखते हैं किस तरीके से ये वर्क करती है। लाइट जलती हुई नजर आपको आ जाएगी, और ऊपर की तरफ दोनों बड्स में भी लाइट जलना शुरू हो जाती है। और अब हम इसको बंद करते हैं कुछ इस तरीके से, आप देखोगे दोस्तों ये कुछ अच्छी फील नहीं दे रहा और ये लाइट जलती हुई नजर आपको आ जाएंगे। अगर आप इसको परचेज करते हो तो दोस्तों ये आपको 800-900 रुपए की रेंज में देखने को मिलता है। ऑनलाइन परचेज कर सकते हो, ऑफलाइन परचेज कर सकते हो। और दोस्तों जो मुझे यहाँ पर देखने को मिली है TWS काफी अच्छी नहीं है, क्योंकि दोस्तों यूबॉन ने इसमें हमें सिर्फ बनाया है और बहुत मेहनत से खुल रहा है, लेकिन दोस्तों ये इतनी अच्छी चीज मुझे नहीं लगी। क्योंकि दोस्तों अगर आप इसको परचेज करते हो तो आपके 800-700 रुपए वेस्ट जाएंगे, क्योंकि दोस्तों उससे आप कोई दूसरी ब्रांड की जो TWS है उसको परचेज करते हो तो वो आपके लिए काफी बेस्ट रहेगा। तो दोस्तों 15 घंटा बैटरी बैकअप है इसका, और यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, ये दोनों मेरे फोन के साथ कनेक्ट हो चुकी हैं, और अब हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं किस तरीके की जो साउंड क्वालिटी हमें यहाँ पर देखने को मिल जाती है। हमारी TWS है कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिलती है, और यहीं पर आपको ये जो यूबॉन की लोगो है ये यहाँ पर बटन दी हुई है, लेकिन दोस्तों आजकल सारे ब्रांड्स में टच सेंसर है, लेकिन इसके अंदर इन्होंने अभी भी बटन दे रखी है। दोस्तों ये काफी अच्छी चीज नहीं है, और किस तरीके का एक्सपीरियंस रहता है दोस्तों ईयरों में ये काफी आसानी से लग जाती है कुछ इस तरीके से आप देख सकते हो, और आप कोई भी काम इससे कर सकते हो, इस तरीके गिरेगा भी नहीं है। तो अब कर लेते हैं अपने फोन के साथ कनेक्ट और देखते हैं किस तरीके से ये कनेक्ट होता है। दोस्तों साउंड क्वालिटी ठीक ठाक सी है, लेकिन दोस्तों मैं यहाँ पर आपको एक बात बता देता हूँ, इसकी सिर्फ एक ही TWS आप चला पाओगे, एक को आपको अलग रखना होगा, क्योंकि दोस्तों एक TWS ही कनेक्ट होता है आपकी डिवाइस से, दोनों डिवाइस यहाँ पर कनेक्ट नहीं होती, तो ये एक सबसे बुरी चीज है। क्योंकि दोस्तों इस प्राइस में हम तो दूसरी कंपनी की तरफ हम जाते हैं तो वहां पर हमें सारी चीजें देखने को मिल जाती है, लेकिन दोस्तों यहां पर इस TWS में हमें कुछ ऐसा नहीं देखने को मिलता। दोस्तों अगर आप इसको परचेज करोगे तो दोस्तों जो आपका पैसा है वो आप अच्छी जगह नहीं यूज करोगे, क्योंकि दोस्तों इसमें आपको इतने अच्छी चीजें नहीं मिलेंगी। फिर भी अगर आप इसको परचेज करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, क्योंकि दोस्तों हमारा काम होता है सिर्फ आपको वीडियो में अच्छी चीजें बताना, जो चीज हमें अच्छी लगी है उसको हम आपके लिए बताएंगे, लेकिन दोस्तों जो चीज हमें बुरी लगी है उसको भी बताना हमारा फर्ज बनता है। क्योंकि दोस्तों 70% लोग ऐसे हैं जो किसी भी यूट्यूबर की बात सुनकर किसी भी प्रोडक्ट को परचेज करते हैं। तो दोस्तों अगर आप इसको परचेज करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, इतनी अच्छी चीज है नहीं। अगर आप BT220 की बजाय आप कोई दूसरे प्रोडक्ट को परचेज करो, दूसरे ब्रांड के जो TWS है उसको परचेज करोगे तो आपके लिए काफी बेस्ट रहेगा। तो दोस्तों आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, कॉमेंट करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।